त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम आदित्याय नवग्रहेभ्यो नमो नमः। सुप्रभात मित्रों, जय ज्योतिष, जय पराशर महाराज की जय। मित्रों, जैसे आप जानते हैं, हम हर शनिवार के दिन प्रातः काल ज्योतिष के कुछ सूत्रों का प्रचार प्रसार करते हैं, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए जो भी सूत्र हैं, जितने भी सूत्र हैं वैदिक ज्योतिष में, जो आदिदेव पराशर ऋषि जी महाराज के द्वारा बताए गए हैं। मित्रों, आजकल हम बात कर रहे हैं बीमारियों की, रोगों की, अस्वस्थता की ज्योतिषी आकलन करने के तरीके। तो तब आज हम बात करते हैं मित्रों अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कुंडली से ज्योतिषी पद्धति के अनुसार कैसे हम अच्छा स्वास्थ्य होने की परिकल्पना कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। तो ऐसा अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा मित्रों सबसे पहले है लग्न बली हो, अर्थात लग्न वर्गोत्तम हो नवमांस में, दृष्टिकाण में, अन्य वर्ग कुंडलियों में। साथ ही साथ लग्न में पाप प्रभाव ना हो, लग्न में शत्रु ग्रहों का प्रभाव ना हो, लग्न बहुत कम अंशों का ना हो, अत्यधिक वृद्धावस्था में ना हो, गंडांत की पोजिशन में ना हो, तो लग्न बली होता है। अब जब शुभ ग्रहों की, मित्र ग्रहों की स्थिति लग्न में होगी तो वह लग्न और अच्छा हो जाएगा, अच्छा बलि हो जाएगा। और शुभ ग्रहों की या मित्र ग्रहों की दृष्टि होने पर भी लग्न बलि होता है मित्रों। और दूसरी बात, लग्नेश की स्थिति केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र त्रिकोण 1, 4, 7, 10 केंद्र के भाव, 1, 5, 9 त्रिकोण के भाव, इनमें तो हो लेकिन इनमें भी प्रिफरेबली वो शत्रु राशियों में ना हो मित्रों लग्नेश। और साथ ही लग्नेश शत्रु वर्गी ना हो, शत्रु ग्रहों के साथ संबंध ना बना रहे हो, तो वो लग्न तथा लग्नेश की स्थिति अच्छी मानी जाती है। वो जब अच्छी स्थिति होगी तो वो स्वास्थ्य को भी अच्छा करेंगे या बीमारियों से दूर रखेंगे या आरोग्यता देने वाले होते हैं। दूसरी बात मित्रों, लग्नेश बलि हो, लग्नेश बलि कैसे होंगे, लग्नेश स्वराशि के हों, लग्नेश उच्च के हों, लग्नेश वर्गोत्तम स्थिति में हों, लग्नेश मित्र राशियों में हों, लग्नेश केंद्र त्रिकोण में हों या लाभ स्थान में भी लग्नेश अच्छे माने जाते हैं। द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव एकादश भाव में भी लग्नेश की स्थिति उत्तम मानी जाती है, ठीक है। तीसरी बात, लग्न तथा लग्ने शुभ कर्तरी में हो, पाप कर्तरी में न हो। अभी भाषा कुछ शब्द ज्योतिष के आते हैं, ज्योतिषी मित्रों के लिए बहुत आसानी से समझ में आती है। जो ज्योतिष के साधक हैं, जो साधक नहीं हैं, ज्योतिष के विद्वान नहीं हैं, उनके लिए एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, वो चाहें तो ज्योतिष सीख सकते हैं, इस विधा में बसरते उनको विश्वास हो। फिर मित्रों, आरोग्यता के लिए, रोग दूर होने के लिए, रोग ना होने के लिए, कम रोगों का प्रभाव होने के लिए, चंद्रमा पीड़ित न हो और अष्टम भाव में शनि हो, अष्टम भाव में शनि होगा तब भी रोग दूर रहते हैं। और साथ ही मित्रों, बहुत अच्छी सी चीज है, सर्वाष्टक वर्ग, जो अष्टक वर्ग हम यूज करते हैं उसमें लग्न तथा अष्टम भाव की स्थिति अच्छी हो, अर्थात अष्टम और लग्न पर सर्वाष्टक में अच्छे पॉइंट्स हों, बहुत कम पॉइंट्स ना हो। अब उसके अलावा राशियां, लग्न में छठे भाव रोग का है, इनमें कौन सी राशियां आ रही है, या रोग जब जिस दिन जिस पल प्रतिपल शुरू हुआ है उसमें कौन सा लग्न था, कौन सी राशि थी, दोनों से पता चलता है मित्र। तब अग्नि तत्व की राशियां अगर हों 1, 5, 9 तो ये राशियां रोगों को ठीक करने में सहायक होती हैं, पावरफुल होती हैं, उत्तम प्रतिरोधक मानी जाती हैं। पृथ्वी तत्व की राशियां हैं 2, 6, 10
तो वो रोगों को रोक पाने में कम उसमें क्षमता होती है, प्रतिरोधकता कम होती है। वायु तत्व की राशियाँ हों 3, 7, 11, चाहे लग्न में या छठे में हो या जब रोग उत्पन्न हुआ हो तब हो, तो उस समय मित्रों उनकी जो क्षमता है बहुत कम होती है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, अर्थात या हम कहें वायु तत्व की जो राशियां हैं वो रोग फैलाने वाली होती हैं। और यदि जल तत्व की राशियां हैं 4, 8, 12 कर्क वृश्चिक और मीन राशियां हों तो रोगों को ग्रहण करने की एडेप्टेबिलिटी है, जैसे जल किसी में भी मिल जाता है वैसे ही रूप धारण कर लेता है, तो ऐसे जातकों को भी छठे भाव में हो, लग्न में हो या जब रोग उत्पन्न हुआ हो तो कोई भी रोग आ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति उनकी आती है। और फिर मित्रों एक यदि अष्टमेश किसी जातक की कुंडली में बली हो तो रोग कम आता है या रोग से कष्ट कम मिलता है। एक जेमिनी पद्धति प्रडिक्शन करने के लिए मित्रों और है पराशर पद्धति में ही, वैदिक ज्योतिष में ही, तो आत्मकारक ग्रह। अब आत्मकारक ग्रह क्या होता है, जेमिनी का रूल है कि जिस ग्रह के सर्वाधिक डिग्री हो, अंशों सबसे अधिक अंशों वाले को आत्मकारक का है। जेमिनी ऋषि मानते हैं वो वृद्धावस्था मृतावस्था में नहीं है, उसके पास लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा अनुभव है, उसको आप ब्लेसिंग देने की, गाइड करने की, रास्ता दिखाने की अधिक क्षमता है। और आत्मकारक ग्रह भी बली स्थिति में हो, खराब स्थिति में, नॉर्मल कुंडली में, लग्न कुंडली में ना हो, तो वो भी रोगों को ठीक करने में, कम करने में दिखते हैं। और जो लग्न में अष्टम भाव में सप्तम सर्वाष्टक वर्ग में इनकी पोजीशन भी कमजोर ना हो, बहुत अधिक हाइपर ना हो, तब भी वो अस्वस्थता देने वाले हैं, अस्वस्थता को कमांड करने वाले हैं। अब यही बात मित्रों, यदि अस्वस्थता देने के लक्षण क्या हैं कुंडली से बीमारी देने के लिए, इसी का विपरीत, विपरीत की अगर हम बात करते हैं, लग्न कमजोर हो, बहुत कम अंशों के हो, पाप कर्तरी में हो, लग्न में अशुभ ग्रहों का ही प्रभाव हो, स्थिति हो या दृष्टि हो, तो या दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो वो किसी तरह से पाप कर्तरी में हो, शत्रु ग्रहों का प्रभाव लग्न पर आ रहा है, लग्न कमजोर हो जाएगा, कम डिग्री के हो, 0 डिग्री के हो, 3 डिग्री से कम के हो, 27 डिग्री से अधिक के हो, तो स्थिति कमजोर हो जाएगी। लग्नेश कमजोर हो, लग्नेश से 8-12 में गया हो, लग्नेश पाप कर्तरी में हो, लग्नेश शत्रु क्षेत्री हो, लग्नेश कम अंशों के हो, अधिक कम अंशों के हो, तो हर हालत में किसी भी बात में किसी सारी चीजें ले लेके वो बीमारी दे देंगे। त्रिकोण में अशुभ ग्रह हो, चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा पीड़ित कैसे होते हैं, 6, 8, 12 में हो, पाप कर्तरी में हो, चंद्रमा नीच के हो, चंद्रमा शत्रु क्षेत्री हो, चंद्रमा इस तरह का अशुभ प्रभाव हो, 3, 6, 1 भाव में या तीनों में ही शुभ ग्रह हो तो भी वो अस्वस्थता देने वाले होते हैं। और केंद्र में या चारों केंद्रों में अशुभ ग्रह, केवल अशुभ ग्रह, अष्टम भाव में शुभ ग्रह आ जाए, और यदि लग्न में अष्टम भाव में छठे भाव में जल तत्व की राशियां आती हों, या जब लोग रोग उत्पन्न हुआ है तब जल तत्व की राशियां उस समय हों 4, 8, 12, तो वह भी रोग बढ़ाने वाली होती है। वायु तत्व की राशियां आती हों रोग को फैलाने वाली होती है। अष्टमेश कमजोर स्थिति में हो, द्वादश भाव में चले जाए, अपने से द्वादश अर्थात सप्तम भाव में आ जाए, पाप कर्तरी में हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, शत्रु ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ये सारी चीज़ें मित्रों रोगों को बढ़ाने वाली, रोग देने वाली, कुछ न कुछ रोग देने वाली स्थिति का निर्माण करते हैं। तो ये तो बात मित्रों हमने जाग नहीं है कि आरोग्यता के लक्षण और बीमारी के लक्षण, मोटे मोटे लक्षण हमने थंब रूल जो था उसको पराशरी पद्धति वैदिक ज्योतिष जिसको कहते हैं उसके आधार पर जाने। आने वाले
शनिवार के दिन फिर कुछ और बात हम रोगों के विषय में ज्योतिषीय आकलन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।